We are finally Oppo A5A9 2020 device में ColorOS 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट F.02 वर्जन के साथ में प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है PPH1937_11_F.02 एंड इस अपडेट का साइज है 3.27 GB एंड साथ ही साथ ColorOS 11.1 के नीचे बीटा वर्जन क्लियर तरीके से शो हो रहे हैं। मतलब ये अपडेट एक बीटा अपडेट है एंड ये अपडेट अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद हमारे डिवाइस में कुछ बग एंड इश्यू भी देखने को मिल सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अपने डिवाइस में ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट इंस्टॉल करने से पहले आप ColorOS 11.1 के सारे रूल एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चलना, तभी आपके डिवाइस में ColorOS 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल हो पाएगा, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ में बताऊंगा। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके डिवाइस में कौन कौन से बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे हैं, आपने डिवाइस में F.02 वाले वर्जन को इंस्टॉल करें या फिर नहीं करें, या फिर इसमें हमें कौन कौन से नए नए फीचर देखने को मिलते हैं, फुल डिटेल के साथ में बात करेंगे। फिर यार आपको कोई सा भी टेम्पल लेने की जरूरत नहीं है। एंड हो सके तो आज की वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज में भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको पता होगा ओप्पो A5A9 2020 डिवाइस में F.02 वर्जन के साथ में ColorOS 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपके डिवाइस में ये अपडेट मिला या फिर नहीं मिला। एंड साथ ही साथ ये अपडेट एक बीटा अपडेट है, फिर आपके डिवाइस में कुछ बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं, आपने डिवाइस में इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल मत करना, क्योंकि आपके डिवाइस में कुछ बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं जिससे आपका फोन हीट भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। तो आप फुल रिव्यू वाली वीडियो देख लीजिएगा हमारे चैनल पे, या फिर किसी भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो जाए वहां पे आपको फुल डिटेल के साथ में बताया जाएगा, तो वहां पे आप वीडियो को देख लीजिएगा, तभी अपने डिवाइस में अपडेट को इंस्टॉल कीजिएगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे डिवाइस में ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट इंस्टॉल करने से पहले हमें कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करके चलना होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फोन रूटेड नहीं होना चाहिए, रूटेड नहीं होना चाहिए। इसके रिलेटेड हमें पिछली बार काफी सारे कमेंट्स देखने को मिले थे, तो भैया कुछ यूजर अपने डिवाइस को रूट कर लेते हैं कुछ अदर कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको, मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कस्टम रोम क्या होता है या फिर आपका फोन रूटेड है या फिर नहीं है, मतलब रूटेड क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आपका फोन रूटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप वो करोगे नहीं, देन आपका फोन रूटेड नहीं होगा। तो इसके रिलेटेड कोई सा भी टेम्पल लेने की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ अपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट करते समय आपके फोन की बैटरी 60% प्लस की चार्ज में होनी चाहिए। अपने डिवाइस में अपडेट को डाउनलोड कर सकते हो, बट इंस्टॉल करने से पहले, अपडेट करने से पहले आपके फोन की बैटरी 60% प्लस में चार्ज होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फोन या फिर आपके डिवाइस में ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। एंड साथ ही साथ अपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट करते समय अपने फोन का फुल बैकअप ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके फोन का डाटा भी डिलीट हो सकता है। ऐसा कभी होता नहीं, मे बी आपके डिवाइस का डाटा भी इरेज हो सकता है, अगर आपने फोन का फुल बैकअप लेके रखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। एंड साथ ही साथ अपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में तभी अपडेट करना जब आपकी फोन का इंटरनल स्टोरेज 5 GB से ज्यादा खाली हो। अगर आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज खाली नहीं हो तो आपने फोन के फाइल मैनेजर में जाकर के कुछ डाटा को डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपने फोन में ColorOS 11.1 के फर्स्ट बैच बीटा अपडेट को अपडेट करोगे ना, तो वहां पे आपको अपडेट फेल्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसा कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। एंड भैया अपने फोन के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाकर के फारे थर्ड पार्टी ऐप एंड प्रीइंस्टॉल ऐप्स को अपडेट कर लीजिएगा। मे बी हो सकता है अपने फोन को एंड्रॉइड 11 बीटा अपडेट में अपडेट करने के बाद आपके फोन के फारे थर्ड पार्टी ऐप प्रीइंस्टॉल्ड ऐप्स अपडेट ना हो। अगर आपके फोन के थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई भी ऐप अपडेट नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा एंड आपका फोन हैंग होगा, काफी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर के फारे थर्ड पार्टी ऐप वगैरह को अपडेट कर लीजिएगा। एंड ये सभी कुछ कंडीशन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सभी कुछ ऑफिशियली तरीके से कंफर्म है, मैं आपको अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ कि आप ये सब घाचा पाचा कर सकते हैं। एंड ये सब कुछ आप प्रोसेस को फॉलो करके अपने डिवाइस में सक्सेसफुली तरीके से एंड्रॉइड 11 या फिर ColorOS 11.1 के बीटा अपडेट को सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड एज यू मे नो, फायदा आपको पता होगा, अपने डिवाइस में ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में काफी सारे बग एंड इश्यू देखने को मिल सकते हैं जिससे आपका फोन हीट होगा,
लैग करेगा, कुछ एप्लीकेशन है या फिर कुछ जो फीचर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे एंड आपको काफ़ी सारे फीचर नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे ColorOS 11.1 की फर्स्ट वर्ष बीटा अपडेट में, जैसे कि आपके डिवाइस में AOD का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हालांकि आपको AOD का थोड़ा फीचर देखने को मिल जाएगा। आप सर्च बार में AOD सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बैटरी वगैरह का फीचर देखने को मिल जाएगा, उसका आपको आइकन शो होगा, अदरवाइज आपको कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपकी डिवाइस के डार्क मोड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा जब आपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा में अपडेट करोगे, मतलब ये एंड्रॉइड 11 का फीचर है। एंड जो मेन फायदा आपको पता होगा, अपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में सुपर पावर शेविंग मोड, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सभी कुछ फीचर आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, जो कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट्स भी किया जाएगा। फिर ये सभी फीचर आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, मैं आपको मोटे मोटे फीचर बता दे रहा हूँ एंड फुल फीचर का रिव्यू मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। एंड साथ ही साथ अपने डिवाइस को ColorOS 11.1 फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में कोई भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो भैया आप तुरंत से ओप्पो इंडिया को एक फीडबैक शेयर कर दीजिएगा, चाहे ColorOS पे या फिर आपने फोन के डायलर में जाकर के वहां पर टाइप करके *F00 है, फिर आपके डिवाइस में ColorOS 11.1 का फीडबैक पेज शो हो जाएगा। वहां पे आपको सारे के सारे फीचर आपके डिवाइस के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि भाई आपके डिवाइस में कहां पे बग एंड इश्यू देखने को मिल रहा है। आप वहां पे टाइप करके अपने डिवाइस का फुल फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो ओप्पो इंडिया को। इनमें भी अपकमिंग वाले अपडेट में आपके डिवाइस में जो भी न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा उस अपडेट के साथ में सारे के सारे बग एंड इश्यू को फिक्स करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देन दैट फीट, आई होप हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर की गई आपको जरूर से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा या फिर एक्सटर्नल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की विथ सॉल्यूशन। देन दैट फीट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।